ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो साइंस की क्लास को देख रहे थे उसमें हमारा जो जो क्लास था कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में, जो हम साइंस का जो जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके उसको देख रहे थे, ठीक है। जो आपके हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन साइंस में सॉल्व किया था उसमें ज़्यादातर देखे थे कि किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम एक एक करके कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस पर क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा गया था, ठीक है, किस तरह से बन सकता है, तो कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है। लास्ट में जब पूरा कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट का जितना भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बनेगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका था, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ये है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में आज देखेंगे कि त्वरण क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे त्वरण से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग देखे थे कि NTPC में ग्रुप डी में आपके बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो इसको यहाँ देखते हैं कि त्वरण आपका क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। वेग परिवर्तन के दर में, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं त्वरण को, वेग में परिवर्तन बाय समय में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वी माइनस यू बाय टी है, ठीक है। कई जगह आपको वी माइनस यू बाय यहाँ पे टी टू मतलब फाइनल टाइम माइनस यहाँ पे जो है इनिशियल जो होगा टाइम आपका यहाँ पे हो जाएगा T1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1, ये भी आपको इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन भाई समय में परिवर्तन, ये आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका होता है, ठीक है। इसके बाद से इसका जो आप देखेंगे कि यदि यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर यू जो है आपके जो फाइनल वेलोसिटी होता है यहाँ पे यू है ये, और ये यहाँ पे जो प्रारंभिक वेलोसिटी यू जो ये फाइनल वेलोसिटी वी है और यू यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक वेलोसिटी है, तो अगर इस तरह का कंडीशन बनता है कि वी का वैल्यू जो है आपका जो है यहाँ पे यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जो त्वरण गति होती है वो त्वरण हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर वी ग्रेटर देन यू, अगर यू से ज़्यादा है, तो अगर वी ए के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपके कंडीशन है। अगर देखिए यहाँ पे अगर वी जो है लेस देन यू है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी वी का वैल्यू होगा यू से आपका कम होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, यानी मंदित गति, इसको त्वरण ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। ऋणात्मक बोलते हैं यानी मंदित गति इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इस तरह से कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला जो है इसका इसको जो इसका मात्रक होता है, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, ये इस तरह से भी लिखते हैं, माइनस दो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये त्वरण का आपका मात्रक होगा, इसको सुधार लीजिएगा, माइनस टू। बीमा इसका क्या होगा, एल टी टू पावर माइनस टू। देखिए यहाँ पे जो मीटर है इसका यहाँ पे एल हो जाएगा, टी टाइम का यहाँ पे जो सेकंड है इसका टी टू पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे इसका बीमा होता है एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है, इसको याद रखें। इसके बाद है एक समान वृत्ति गति से वेग और त्वरण में लंबवत होते हैं, जो वेग और त्वरण होते हैं यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक समान वृत्ति गति में क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। उसके बाद से प्रक्षेप गति में वेग त्वरण, जो वेग त्वरण किसी भी कोण पर होते हैं, जो प्रक्षेप गति में जो वेग त्वरण होते हैं किसी भी कोण पर क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला कंडीशन था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, त्वरण में ये आपके क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जब 2 किलो वाले एक द्रव्यमान पर इतना न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको त्वरण को निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक फार्मूला होता है आपको कई बार देख चुके होंगे, F=ma, ठीक है, F=ma। देखिए इसको बताने का मेन पर्पज़ ये है कि आपके एग्जाम में जो भी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए हैं, जैसे ग्रुप डी का हुआ, ALP का हुआ, ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन से। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से देखना है, उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका F=ma फोर्स है। तो यहाँ पर आप देखिए मास का जो वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपका क्या होता है, ये बल होता है, बल, ठीक है, फोर्स होता है। अब यहाँ पे देखिए ये फोर्स हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान, इसको मास बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ये आपका होता है, तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप m की जो वैल्यू दिया गया है ये कितना दिया गया है, जो m का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है ये आपका दिया गया है यहाँ पे 2 kg, ठीक है, जो m की वैल्यू है ये आपको कितना दिया गया है, 2 kg, ठीक है, m का वैल्यू। और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का, यानी F का जो वैल्यू है
ये आपका 5 न्यूटन यहाँ पर लगा रहा है, ठीक है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो 5 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स है और मास कितना है 2 kg। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है बल इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, फोर्स कितना है आपका 5 है, ठीक है, और मास कितना है 2। तो 5/2 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी मीटर सेकेंड -2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन इस तरह से बहुत मतलब सबसे आसान क्वेश्चन ये है, ठीक है। कुछ आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको इस तरह से देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन किस तरह से इस पर पूछा गया है। अगला देखिए, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आपको दिया गया। तो 20 न्यूटन का बल है 4 kg के पिंड पर कार्य करता है, ठीक है। तो उसमें उत्पन्न त्वरण देखिए, फिर यहाँ पे फोर्स जो दिया गया ये कितना दिया गया है, 20 न्यूटन, ठीक है, और आपके जो मास है कितना है 4 kg, ठीक है। मास आपका कितना दिया गया है, 4 kg यहाँ मास दिया गया है। तो आपको क्या बोला, त्वरण बोल रहा है, यानी कि फिर से आप क्या करेंगे, बल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स बाई मास यहाँ पर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो यहाँ पे, फोर्स कितना है 20 और मास कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 5 m/s² ये आपका हो जाएगा त्वरण, 5 m/s² इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, एक्सेलरेशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 m/s² हो जाएगा, देखेंगे 5 m/s², ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, बोला गया है कि एक कार की जो गति है वो 10 सेकेंड में 20 km/h से और 50 km/h तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो आंसर मिला है ये आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वी और यू का जो वैल्यू दिया गया है ये आपका क्या दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करके आप आसानी से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो इसमें टाइम का जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया, 10 सेकेंड, ठीक है, ये आपका टाइम का दिया गया। देखिए, इतना किलोमीटर से उतना किलोमीटर घंटा तक ये जाती है, यानी क्या होगा कि जो यू का वैल्यू है ये आपका क्या, इनिशियल ये आपका 20 km/h है, ठीक है, 20 km/h। और वी का जो वैल्यू दिया कितना दिया, 50 km/h, ठीक है, 50 km/h दिया गया। अब देखिए, किलोमीटर से आप चेंज करेंगे तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करना रहता है। वही अगर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घंटा में करना हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर किलोमीटर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में करना हो तो कितना हो जाएगा, 18/5, ठीक है। ये इससे आप कोई भी जो आपका नंबर दिया गया उससे आपका गुणा करके लिख सकते हैं। और यही आपका क्या है, ये आपको किलोमीटर से, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करते हैं तो आपको क्या करेंगे, 5/18 से उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये है आपका, तो ये हो जाएगा 20/25 100/18, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 × 5/18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 250/18, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250/18। अब देखिए, यहाँ पे जो है त्वरण क्या होगा, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा v - u/t, यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो v का वैल्यू है ये है आपका 250/18 यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका 250/18, और माइनस कितना है, यू का वैल्यू 100/18 है, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, टाइम 10 सेकेंड दिया गया है। तो इसको जब आप अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन जो आपका आएगा ये कितना जाएगा, देखिए ये तो एलसीएम इसका ऊपर 18 हो जाएगा, और 250 माइनस जब यहाँ पे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है, ये हो जाएगा 150/18 बाई ये हो जाएगा 10, ये आपका नीचे आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 150/ ये हो जाएगा 18 × ये हो जाएगा 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 15/18, ठीक है। तो 3×5 = 15, 3×6 = 18। तो इसको जो आप करेंगे कि 5 से अगर आप 5 में अगर 6 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा,
0.83 यहाँ पे आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन का। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इस तरह से करना है, यूनिट का यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो आप किस तरह से 5/18 गुणा करके तब यहाँ पे एक्चुअल है, ये आपका क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इस पर कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलता है ठीक है और आरंभ करती है, ठीक है, अवस्था से चलता है और आरंभ करती है, ठीक है, या 2 सेकेंड में इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण बताइए, ठीक है। तो एक वस्तु अपनी स्थिर जो अवस्था से चलना हो आरंभ करती है, यानी यू का जो वैल्यू है आपका ये कितना है, 0 है, और टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे, दिया गया है 2 सेकेंड, ठीक है, टाइम 2 सेकेंड दिया गया, और यहाँ पे इतना मीटर की गति प्राप्त करता है, यानी वी का वैल्यू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो वी का जो वैल्यू है ये आपका 5 दिया गया है, यू का वैल्यू 0 दिया गया, टाइम कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पे आपको जो है यू का जो आरंभ करते, यानी यू इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, टाइम इतना दिया गया, वी यहाँ दिया गया, तो ये आपको फार्मूला लगा लेना है, ठीक है, वी माइनस यू बाई टी, और वी यहाँ पे 5 है, ये आपका हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है, और आज का जो है कॉन्सेप्ट था एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।